इस वीडियो में हम मनुष्यता स्पर्श भाग दो हिंदी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवि ने मृत्यु को सुमृत्यु क्यों कहा है और कौन सी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर है, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जो मानवता की राह में परोपकार करते हुए आती है और जिसके बाद मनुष्य को मरने के बाद भी याद रखा जाता है। प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर होगा, उदार व्यक्ति सदा परोपकार के लिए काम करता है। इन व्यक्तियों की चर्चा दूर दूर तक की जाती है। कवि तथा लेखक भी इनके गुणों की चर्चा अपने लेखनों में करते हैं। धरती इन लोगों की ऋणी होती है। उदार मनुष्य ही वास्तविक अर्थों में मनुष्य होता है। प्रश्न है, कवि ने दधीचीकरण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? उत्तर होगा, कवि ने दधीचीकरण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार रहना चाहिए। दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ तथा कर्ण ने वचन रखने के लिए अपना रक्षा कवच दान कर दिया। कवि कहते हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, इसलिए इसका मोह रखना व्यर्थ है। परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? इसका उत्तर है, निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही गई है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, मनुष्य मात्र बंधु है इसका अर्थ है हम सब एक ईश्वर की संतान है, इसलिए हमारा परस्पर संबंध है। संसार के केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है और बंधुत्व के महत्व को समझता है, इसलिए हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? इसका उत्तर है, कवि ने सबको एक साथ चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे। इससे हमारे बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना का अंत होगा। साथ चलने से हमें रास्ते में आने वाली विपत्तियों से हम पार पा सकेंगे। प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। व्यक्ति को परोपकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के हित अहित के बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने लिए सोचना पशु प्रवृत्ति होती है। दूसरों की मुसीबत में काम आने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें अपना जीवन परोपकार में व्यतीत करना चाहिए। सच्चा मनुष्य दूसरों की भलाई के काम को सर्वोपरि मानता है। हमें उदार हृदय बनना चाहिए। हमें धन के मद में अंधा नहीं बनना चाहिए। मानवतावाद को अपनाना चाहिए। अब भावार्थ वाले प्रश्न हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, सहानुभूति चाहिए महाभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विद्युतवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमें मनुष्यों के प्रति सहानुभूति यानी संवेदना का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है। औरों के दुखों को समझना और उनमें शामिल होना जैसे गुण ही हमें सही अर्थों में मनुष्य बनाते हैं। सारी धरती इन गुण वाले व्यक्तियों के वश में रहती है। महात्मा बुद्ध के दया भावना और करुणामय विचारों ने विरोध के स्वर को दबा दिया। जो लोग उनके विरोधी थे वह भी उनके विचारों के सामने झुक गए। दूसरा पद है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
कवि कहते हैं कि हमें कभी भी भूलकर अपने थोड़े से धन के अहंकार में अंधे होकर स्वयं को सनाथ अर्थात सक्षम मानकर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनाथ कोई नहीं है। इस संसार का स्वामी ईश्वर है जो सबके साथ है। ईश्वर बहुत दयालु है, आदीनों और असहायों का सहारा है। उनके हाथ बहुत विशाल हैं अर्थात वह सबकी सहायता करने में सक्षम है। प्रभु